जो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा था फिजिकल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर, उसका क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मासेस 400 kg 40,000 kg सेपरेट अंडर 1 cm/5, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मास एम वन हो गया एम टू हो गया 1 cm/m मिल रहा है जी वन, और जी एम वन एम टू आर स्क्वायर में वैल्यू प्लेस करके तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। टू बॉडीज ऑफ मासेज 1,000 kg 5,000 kg एक्टेड अपॉन बाई ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ 667 ग्राम वेट, ये गड़बड़ कर रहा है जो कि जगह फाइंड सेपरेशन बिटवीन दैम, जी की वैल्यू कैन लेंगे बच्चो मास मालूम है, एफ को दिया उसने 667 ग्राम वेट भी, अगर मास ये जो फोर्स होना चाहिए न्यूटन में होना चाहिए, तो पहले ग्राम को मैंने हटाया माइनस 3 करके kg वेट बना दिया, कोई डाउट नहीं। और kg वेट को न्यूटन में लाने के लिए हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी की वैल्यू मैं 10 गिवन है, इसलिए मैंने 10 से कर न्यूटन में, बस यही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। उसके बाद तो एफ का फॉर्मूला लगाया मैंने, आर स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको ला के और वैल्यू प्लेस करके सॉल्व कर लिया। हाँ एक बात बताऊँगा यहाँ पर, सॉल्व करके आ रही है आगे। अब बच्चों दिख रहा है आर स्क्वायर, आर निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात दिमाग में रखो कैलकुलेशन के लिए कि जब स्क्वायर रूट ले आ तो पावर आपकी इवन नंबर होनी चाहिए, क्योंकि पावर का ना स्क्वायर रूट नहीं आता, स्क्वायर रूट का मतलब पावर का हाफ होना होता है, तो 5 का हाफ तो कर नहीं पाओगे आप, 2.5 मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया 5 को 50 लिख दिया, ज़बरदस्ती 0 बढ़ाइए माइनस 6 से, आर इज इक्वल टू 50 10 माइनस 6 माइनस 6 का माइनस 3 50 का 5 रूट 2, बाकी सॉल्यूशन करके आंसर लिख दिया। उसी तरह से आगे टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, दोनों के मासेस इक्वल है, अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ विद इन टाइम सेपरेटेड बाय 1 mm, फाइंड देयर मासेस, तो यू नो दैट मासेस इक्वल है, एम एस जूम कर दिया, टाइम को न्यूटन में लाने के लिए माइनस 5 करते हैं, है ना, 1 mm को मीटर में लाने के लिए माइनस 3, बस बाकी तो बच्चों मैंने वैल्यू प्लेस की है और ये सॉल्व करके आ जा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फोर्स की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, एम एम स्क्वायर हो गया, दोनों इक्वल है, ये सॉल्व किया, सॉल्व करके 10√10 के लिए आ जाए, कर लेंगे कोई ऐसा खास बात नहीं, कैलकुलेशन तो है। उसके बाद इसी में आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, तो ये लिख रहे हैं कि ए बॉडी ऑफ मास 6.4 kg रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी ऑफ मास दिस वन, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस वन फाइंड स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसकी स्पीड निकालनी है, ये घूम रहा ना, ये बनाए बनाए फिर घूमने वाला एम वन हो गया, ये एम टू के अराउंड घूम रहा है, आपको मालूम है एम टू एम वन पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और बाय द वे फोर्स सेंटर की तरफ आ गया तो ये काम कर रहा होगा सेंट्रिपेटल फोर्स का, यानी इन एक्चुअली ग्रेविटेशन फोर्स है और काम कर रहा होगा सेंट्रिपेटल का, तो एम वन एम टू आर लिख दिया, वी निकालना, तो लिखा मैंने ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज एक्टिंग एज सेंट्रिपेटल फोर्स, लेकिन यह ध्यान रखना एम वी स्क्वायर अपॉन आर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर में एम कौन सा लेना, बॉडी घूम रही है एम वन, सेंट्रिपेटल इस पर लगेगा तो इसलिए एम वन लिखना, एम वन से एम वन उड़ गया, वी स्क्वायर जी एम टू अपॉन आर आ जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, रखो आंसर आ जाएगा। अब इसी में अगर वो ऐसे बोलते टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस एम कैन रिवॉल्व अराउंड ईच अदर इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द स्पीड ऑफ रीच, यानी पहला दूसरी तरफ घूम सकता है, दूसरा पहले के चारों तरफ, तो कोई मुश्किल नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि दे विल रिवॉल्व अराउंड ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दैम, और उस केस में फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर को जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर करोगे, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर नया क्वेश्चन ये देखो, ए बॉडी ऑफ मास एम इज स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस एंड द मासेस ऑफ द टू पार्ट्स सो दैट ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दैम इज मैक्सिमम, है ना, देख लो आराम से, ये मास है इसको दो जगह स्प्लिट किया एम वन एम टू में, अगर एम वन को मैं स्मॉल एम टू ये एम माइनस एम रह जाएगा डिस्टेंस आ, फोर्स मैंने ये फॉर्मूला लगाया एम वन एम टू की वैल्यू प्लेस की, बच्चों ध्यान रखो मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा किसी की भी कंडीशन तुम अगर निकाल रहे हो, किसी भी कंडीशन को निकालने के लिए है ना हमेशा ध्यान रखो तुम क्या करते हो, इसको इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करते हो। अब आएगी बात विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, मास में रिलेशन निकालना है, तो मास के रेस्पेक्ट में करो, और कैपिटल एम भी नहीं, कैपिटल एम तो गिवन बॉडी का मास है जो फिक्स था इसके टर्म्स, तो डी एफ अपॉन डी ए को जीरो करो आप, मैंने एफ की वैल्यू प्लेस की, जी वाई आर स्क्वायर को अलग कर दिया, डी वाई डी एम एफ दिशा आ गई, इसको अलग अलग लिख दिया मैंने यहाँ पर, एम एम का हो जाएगा एम और एम स्क्वायर का 2m, ये पेट्रोल को गायब हो जाएगा तो एम माइनस 2m 0, एम इज इक्वल टू एम बाई 2, तो फर्स्ट बॉडी का मास है एम एम बाई 2, सेकेंड का एम माइनस एम माइनस करेंगे एम बाई 2, यानी जब वो आधे आधे पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब दिक्कत एक आती है कि यहाँ तक तो सही था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही थी, क्वेश्चन ये बना कि देखो जैसे ये दो बॉडीज़ हैं,
इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा बड़े आराम से, जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, बट वो कहते हैं तीसरी बॉडी बीच में रखी है, डिस्टेंस आर बाई टू, आर बाई टू तीसरी बॉडी बीच में रखी है, वो कहते हैं इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसका एक नया तरीका होगा कि भाई इस पर फोर्स इससे लगेगा और इस पर फोर्स इससे भी लगेगा, इसका जो फोर्स होगा वो इसकी तरफ होगा, इसका जो फोर्स होगा वो इसकी तरफ होगा। तो तुम क्या करोगे, दो फोर्स निकालोगे, पहले इस पर इससे, फिर इस पर इससे, और दोनों क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं माइनस करके आंसर निकालो। अब अगर क्वेश्चन में ये ऐसे रखा तो यहाँ पर तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ करेगा, अब दो फोर्स के बीच में एंगल 60 हो रहा है, फिर इससे निकलेगा। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगें तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिसाइडेड नहीं होता, वो डिपेंड करता है उन फोर्सेज के डायरेक्शन पर। तो इसलिए क्या बना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बना। If a body is acted upon by two or more than two gravitational forces, then the resultant force on the body will be equal to the vector sum of all the forces. यानी resultant अगर मैं लिखूँगा तो यह आएगा। बच्चों it is not a formula. It is only a method to show that the resultant force is vector sum. क्योंकि ये sum नहीं है, ये vector का sum है। और ये decide करता है कि ये plus होगा, minus होगा या under root होगा। It will depend upon the direction of forces. Sure? अब जैसे ये क्वेश्चन किया मैंने, ये 1000 kg का 2000 kg का ऑब्जेक्ट है और वो कहते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिजल्ट फ्रॉम और 100 kg पर निकाल। ठीक है, दोबारा फिगर बना दी मैंने। अब इस सी पर फोर्स लगेगा ए से और ए की तरफ ही जाएगा, इसका नाम मैंने लिख दिया एफ सी ए, फोर्स ऑन सी डी टू, और ऐसे ही सी पर फोर्स लगेगा बी से जो कि बी की तरफ ही होगा एफ सी। अगर तुम्हें ये सी ए सी बी लिखने में दिक्कत आती है, एफ एन एंटोनिक कर, अब सी ए को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, इससे जी 1100 अपॉन 1 स्क्वायर सॉल्व होगी, और इसी तरह से मैं दूसरा फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी सॉल्व कर लिया, समझ गए, दोनों फोर्सेस को मैंने सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद ये माइनस 6 आएगा, 3 × 5 माइनस 6, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस करके आंसर निकालना, ठीक है। और डायरेक्शन कह रहेगी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एफ सी बी, क्योंकि एफ सी बी ग्रेटर था, ये बड़ा था, और इसकी डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स बी। तो आप कहेंगे जो नेट फोर्स होगा वो किसकी तरफ लगेगा, बी की तरफ लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन बी की तरफ आएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, उसने यहाँ रख दिया इसको, फिर कह रहा है कि नेट फोर्स निकालो, उस पर सेम मैथड लगाओ, जी 1000 × 4 टू का स्क्वायर। बट देखो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जी को एक टर्म्स में छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे दूसरे वाला निकाल दिया मैंने। अब बच्चों इससे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इसकी तरह, इससे जो फोर्स लग रहा है इसकी तरह, पहले की तरह से, बट इनके बीच में एंगल 60 डिग्री आ गया है ना। तो अब फ़ायदा क्या हुआ, देखो ये जी 12500 है, ये जी 25000 है, मुझे ना यहीं से देख लिया था कि देखो दोनों मासेज जो है 1500 है, ये आधा है, ये डबल है, बाकी सब सेम है। इसका मतलब इसका फोर्स अगर मैं एक्स लूँगा तो उसका 2x होगा, वही मैंने किया कि ये फोर्स अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो वो 2x है। उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले में जा रहा हूँ तो एक्चुअल वैल्यू में रखकर एक्स और 2x से मेरा काम चल गया, वो आ गया x√7। अब x मैंने इसे एज्यूम किया, अगर लिखो जी की वैल्यू प्लेस करो आंसर निकाल लो। अच्छा, जो इनका रिजल्टेंट होगा उनके बीच में कहीं होगा, अब उसकी डायरेक्शन अगर सी ए के साथ एंगल अल्फा बना रही है तो tan α = fcb sin 60 / fca + fcb cos 60, सबको याद होगा है ना। इसके साथ एंगल अल्फा है तो इसके साथ साइन और कॉस लिखेंगे, और उसको यहाँ लिख के रखो वैल्यू, अल्फा निकालो।